दोस्तों बोर हो गया हूं अपने घर में बैठे बैठे। सोचा गेम ही खेल लूं, पर ये क्या, मैंने तो यहाँ गेम डाली तो ये तो एक नया एरर आ गया। तो मैंने सोचा दोस्तों की भी हेल्प कर दूं इस एरर के लिए। मेरे यहाँ एक एरर आया, msvcp100.dll फाइल मिसिंग। मैंने गेम चलाई और फाइल मिसिंग आ रही है। तो पहले बताना चाहूंगा डीएलएल फाइलों का काम क्या है। डीएलएल फाइलें वो फाइल्स होती हैं जो हमारे ग्राफिकल वर्क में हमारा काम करती है, चाहे वो गेम खेलना हो, वीडियो मिक्सिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, और कई बार वेब डिजाइनिंग में भी फाइलें काम करती हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि ये अपना एरर कैसे ठीक करें। आओ, ये देखिए दोस्तों, ये फाइल मिसिंग है। इसमें लिखा हुआ है द प्रोग्राम कैन नॉट बी स्टार्ट बिकॉज msvcp100 इज मिसिंग। ये फाइल मिसिंग है, रीइंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। पहले हम इसको रीइंस्टॉल करने के लिए, रीइंस्टॉल क्या करना है, हमें इसको सर्च करना है एंड देन कॉपी द लोकेशन ऑफ दिस फाइल्स। ये देखिए मैं इस फाइल को सर्च कर रहा हूं, msvcp100। ये देखिए मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं। ये पहला लिंक खुला है, इस पहले लिंक को ही मैं खोल रहा हूं। इसने फाइल सर्च कर दी है। हम इसको स्क्रॉल करेंगे क्योंकि आप यहां भी लिखा है कि ये जो फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट सी रन टाइम लाइब्रेरी की फाइल है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाएं तो हम इसका पूरा टूल डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखेंगे msvcp100 इज अ पार्ट ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस एंड इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू रनिंग प्रोग्राम डेवलप विद विजुअल सी प्लस प्लस। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे। यहां पे हमें इसने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। यहां पे इसने हमें दिखाया है कि अगर हमारे पास विंडोज 86 यानी 32 बिट है तो हम ये वाला लिंक डाउनलोड करेंगे, और अगर हमारे 32 64 बिट है तो हम ये वाला लिंक डाउनलोड करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी, जैसे मेरी विंडोज 64 बिट है, विंडोज 7, तो मैंने ये वाला लिंक ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए मेरे पास है ये डीएलएल, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये मैंने पैकेज डाउनलोड किया है, और मैंने डीएलएल फाइल भी डाउनलोड करी है। अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फाइल मैंने कहाँ से डाउनलोड करी है, ये देखिए जो मैंने फर्स्ट लिंक खोला था इसी में ही नीचे डाउनलोड का ऑप्शन था, ये रहा डाउनलोड। इस यहां से मैंने ये फाइल डाउनलोड करी है। आपको मैं दिखाने के लिए दोबारा क्लिक करता हूँ यहां पर। ये देखिए ये फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है अगर डाउनलोड विल स्टार्ट इन 0 सेकंड। यहां देखिए डाउनलोड हो गई फाइल। इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम दोनों ही प्रोसेस कर देते हैं। हम यहां पे हमने ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस भी डाउनलोड कर लिया। हम इसको भी इंस्टॉल कर देंगे। इसको क्लिक करने से पहले हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा रिमाइंड रखेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड देन जो हमने फाइल डाउनलोड करी है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखी है। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे। अब इसको कहां कहां पेस्ट करना है, इसकी दो लोकेशन है, मैं दोनों आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। ये देखिए एक लोकेशन है इसकी सी विंडोज सिस WOW64। हम इस फोल्डर को खोलेंगे एंड देन पेस्ट दिस फाइल। कंटिन्यू परमिशन मांग रहा है। एंड देन दूसरी लोकेशन है सी विंडोज सिस्टम 32। हम ये फाइल यहां पे भी कॉपी कर देंगे। एंड देन पेस्ट। अब मैं विजुअल सी प्लस प्लस भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, वो आप भी इंस्टॉल करेंगे। कुछ मैनुअली स्टेप्स हैं, कुछ प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, और कुछ टूल्स और हैं जो अभी हमें इन डिजिटल फाइल से रिक्वायर्ड होता है। उसका कोई और फाइल मिसिंग बोल दे तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं ऑलरेडी जो हैं। ये देखिए डायटेक्स डॉट नेट, ये विजुअल सी प्लस में बता चुका हूं। एक एक्स लाइव होता है माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स, इसको भी हम इंस्टॉल करके अपनी कई फाइलें
रिकवर कर सकते हैं एक्स डील। अब हम किस गेम को चला के देखते हैं। msvcp100.dll वाला एरर तो खत्म हो गया, पर अब इसमें एक नया एरर आ रहा है, 0xc00007b। ये कुछ एप्लीकेशन एरर है, पर ये एप्लीकेशन एरर नहीं है, ये एक विंडोज का कंपैटिबिलिटी इशू का एरर है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी आगे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप इस एरर को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई होगी। अगर कुछ और इशू रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।